अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग्स को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर मैं फिर से एक व्लॉग शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैं निकली थी मार्केट जाने के लिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मम्मी पापा ही सारा सामान लेकर आते हैं। बट आज मैं जागी थी सुबह, सहरी के बाद हम सोए नहीं थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा हाँ क्यों ना हम मार्केट जाकर आते हैं। मुझे जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मैंगो की सीज़न आ गई है, लेकिन हमारे एरिया में किसी भी टाइप का आम अवेलेबल ही नहीं था, आ ही नहीं रहा था बाहर से स्टॉक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात काफ़ी बेहतर है पहले से। मार्केट भी एक दिन छोड़कर एक दिन लग रही है, तो मैंगोज़ भी मिलना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं वही लेने के लिए गई थी। क्योंकि आज मुझे कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मुझे कैरी से बनानी थी, कच्चे आम से बनाना था। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ आम पन्ना की रेसिपी और कैरी से मुरब्बा बनाऊंगी। मैं ये कच्चे आम का मुरब्बा, ये दो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वन बाय वन हम दोनों रेसिपीज़ को देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है रेड बटन को क्लिक करके, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मैंने ये तोतापुरी कैरी ले ली है, आप जो भी इसे बोलते हो, कच्चा आम आपको लेना है। और यहाँ पर मैं एक ही ले रही हूँ। एक आम में अगर आप आम पन्ना बनाओगे, इतनी क्वांटिटी का अगर आप कच्ची कैरी लेते हैं, तो अराउंड 10 टू 12 ग्लास आराम से बन जाएगा। सो देखते हैं, इसे पहले आपको अच्छे से छील लेना है। वॉश करने के बाद इसे छीले, क्योंकि कट करने के बाद आपको फिर से वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद में आपको कट कर लेना है, और कट करने के बाद में आप रफली इसे कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है एंड देन हमें इसे पीसना है। तो आप इसे पीसेस रफली भी कट करोगे तो चल जाएगा। अब इसे बनाने के लिए एक पैन रख ले गैस पर, और इसमें हम ये कैरी डाल देंगे कट की हुई। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो इसमें आपको पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। मैं यहाँ पर एक कैरी के लिए अराउंड 1/2 लीटर जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो थोड़ी ज़्यादा, डबल क्वांटिटी में बना रहे हैं तो डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। अब इसे अच्छा जोश आने दें, तेज़ आंच पर इसे आपको कंटिन्यू 10 मिनट तक पकाना है। उसके बाद में हम इसमें 1 स्पून जितना लेमन जूस ऐड करेंगे। देन आपको थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है तो मसाले भी कम डालें। अब इसमें हम थोड़ा सा लाल मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, और टेस्ट के हिसाब से शक्कर ऐड करेंगे। अब आप शक्कर शुगर ये डिपेंड करता है आपकी कैरी पर। मैंने यहाँ पर तोतापुरी कैरी ली है, इसलिए मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में ऐड की है। अगर आप कोई और कैरी लेते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टी है, तो कोशिश करें कि वो ना ले, वरना आपको शुगर भी बहुत ज़्यादा लगेगी और उसका इतना सही टेस्ट भी नहीं आता है। और इसे अच्छे से पकने दें। जब आपको लगे कि शुगर गल गई है, इसमें शक्कर अच्छे से गल गई है और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब आपको इसे बंद करना है। अब मैंने इसे यहाँ पर एक डेगची में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में आप इसे डाल दें, और बिल्कुल आपको इसमें बारीक पीस लेना है। अब मैं इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ, और इसे हम बारीक पीस लेंगे। जब ये कुछ इस तरीके का पीस लोगे तो आपका ये आम पन्ना बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, एक बोतल में आप इसे भर लें। मैं यहाँ डेगची में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये इफ्तार के लिए बनाना था। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक ग्लास बनाने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच आम पन्ना का पल्प डालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना कट करके डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि पीसते वक्त भी आपने डाला था, अगर ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है तभी डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें आपको बर्फ़ डालना है, मैं ज़्यादा ठंडा नहीं लेते हैं हम, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आपका ये आम पन्ना बन के बिल्कुल रेडी है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अपने फैमिली वालों के लिए जो धूप से बाहर से आते हैं, तो उन्हें आप बना कर दें। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी है। अब आते हैं हम हमारी सेकेंड रेसिपी पर, कच्चे आम का मुरब्बा। ये रेसिपी मेरे मम्मी की है, जब तक शादी नहीं हुई थी मम्मी के हाथ का ही बना हुआ खाती थी। लेकिन शादी के बाद जब पहली बार मैंगो सीज़न आई, तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया और पूछा कि मम्मी बता दे अब क्या रेसिपी है, क्योंकि
अब तो मुझे खुद ही बनाकर खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। मैंगो सीज़न में ये मेरे घर होता ही है। यहाँ पर मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, सिर्फ मैंने एक ही कैरी ली है, तोतापुरी कैरी लेकर। इसे आप खींच लें इस तरीके से, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और ये इतना ज़्यादा खाने में नहीं आएगा। एक प्याली मैंने यहाँ पर खिसा हुआ कच्चा आम ले लिया है, तो उसकी हाफ़ क्वांटिटी में मैंने गुड़ लिया है और गुड़ की हाफ़ क्वांटिटी में मैंने शक्कर ली है। यहाँ पर दालचीनी और इलायची ली है मैंने टेस्ट के लिए, तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो स्किप कर सकते हैं। 1 स्पून मैंने लेमन जूस लिया है और घी ले लिया है। अब इसे बनाने के लिए हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब इसमें हम दालचीनी और इलायची डाल देंगे। अब थोड़ा सा तड़का आने पर इसमें हम किसी भी कैरी डाल देंगे। अराउंड 1 मिनट तक आपको तेज़ आंच पर इसे चलाना है। अच्छे से घी में ये भून लो आप इसे। अब इसमें हम 1 स्पून जितना लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस डालने से ये जो रेशे हैं वो अलग अलग रहेंगे, एक साथ में ये बिल्कुल ऐसा गाढ़ा सा मिक्स नहीं होगा, बहुत ही रेशेदार ये काफ़ी अच्छा सा लगता है। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। गुड़ की हाफ क्वांटिटी में आप शक्कर ले, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको गैस बिल्कुल स्लो कर देना है और धीमी आंच पर इसे आपको पकने देना है। 2 मिनट बाद आपको इसमें फूड कलर डालना है। ऑरेंज कलर का मैंने यहाँ पर लिया है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो। और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब आपको इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक पकने देना है। कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर इतनी कम क्वांटिटी बनाने के लिए सिर्फ 8 से 10 मिनट लगे थे। धीमी आंच पर मैंने इसे ढककर रख दिया था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जब 10 मिनट हो चुकी थी तो ये कुछ इस तरीके से हो गया था। और अब मैंने गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। आप इसे स्टोर करके किसी कंटेनर में निकाल कर फ्रिज में रख सकते हैं। सो ये देखिए गाइस, ये हमारा कच्चे आम का मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। अगर आपके लिए ये दोनों भी रेसिपीज़ थोड़ी भी हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करोगे। अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मुझे और मन हो कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।